हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। और आज टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 5th है। आज हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस को फिक्स करके और कैसे सवाल बन सकते हैं और उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका। डिस्टेंस को फिक्स करके अगर देखा जाए तो आज ये तीसरा वीडियो होगा आपके सामने। आज डिस्टेंस को फिक्स करके सारे सवालों को मैं इस वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा और फिर देखेंगे आगे और कैसे क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस भी एक बड़ा चैप्टर है और एक वीडियो में समेटना मुश्किल है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल और सारे वेराइटी को आपके सामने रखूंगा, आप इंजॉय कीजिए। तो आज मैंने देखो आपके सामने एक हेडिंग बना के रख दिया कि रिविजिट कर रहे हैं हम लोग जब डिस्टेंस फिक्स हो। और आज के सवालों में ये गन फायरिंग मैंने लिख के रखा है, ऐसे काफी सवाल आते हैं और कुछ किताबों में भी इस सवालों को डिस्कस करा गया है। हम देखेंगे उन सवालों को कैसे अप्रोच लेना चाहिए कि बेहतर ढंग से सुलझ जाए वो सवाल, आपको परेशानी भी ना हो। ठीक है, तो पहला सवाल आज के क्लास का मैं रख रहा हूं और उसको डील करने का मैं तरीका बताऊंगा। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं रीड कर रहा हूं। सवाल कह रहा है, टू गन्स वेर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट द इंटरवल ऑफ 10 मिनट एंड 30 सेकेंड, बट ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकेंड शॉट 10 मिनट आफ्टर द फर्स्ट। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर सपोजिंग दैट साउंड ट्रेवल्स एट 330 मीटर पर सेकेंड। ट्रांसलेट करूं मैं इस सवाल को अगर, तो कह रहा है कि दो बारी बारी से गोली चलाया गया और 10 मिनट 30 सेकेंड के इंटरवल में चलाया गया। पहला बंदूक फायर किया गया, उसके बाद 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद दूसरा गोली फायर किया गया। मगर एक पर्सन, जहां से गोली फायर की जा रही है उस तरफ जब आ रहा है वो पर्सन, तो उस पर्सन को दो गोली के बीच में 10 मिनट का ही गैप सुनाई देता है। पहला गोली सुनता है, उसके 10 मिनट बाद उसको दूसरा गोली का आवाज सुनाई देता है, जबकि दोनों गोली 10 मिनट 30 सेकेंड के इंटरवल में चलाई गई थी। ठीक है, आपको पूछा है कि वो जो पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ था, उस ट्रेन का स्पीड या पर्सन का स्पीड जो भी कह लो, किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, जबकि साउंड का स्पीड अगर 330 मीटर पर सेकेंड दे रखा है सवाल में। तो आप सबसे पहले तो एक बात समझो कि इन सवालों में जहां से गोली चलाई जाती है उस तरफ वो पर्सन अप्रोच कर रहा है, आ रहा है, या वहां से वो पर्सन चला जा रहा है ना, आ रहा है या जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल सेम ही रहता है। तो अगर मैं इस सवाल को डिस्कस करूं जिसपे कि आप सवाल में देख रहे हैं कि पर्सन बंदूक मारे जाने वाले जगह की ओर अप्रोच कर रहा है, आ रहा है, अगर सवाल कभी ऐसा कह दे कि जहां से बंदूक मारी जा रही है, गोली चलाई जा रही है, उस जगह से कोई पर्सन दूर चला जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, गोली भी इधर जा रहा है और पर्सन भी उधर जा रहा है, तो भी उस सवाल के अप्रोच में या सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम सवाल होता है। आओ देखते हैं, पहले डेटा रख लूं मैं, फिर देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या होना चाहिए। एक गोली चलाया गया, सपोज करिए G1, और दूसरा गोली चलाया गया, ये सपोज करिए G2। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप है 10 मिनट 30 सेकेंड। और मैं कुछ देर के लिए ये मान लूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो कि पहले फिलहाल सपोज करिए पर्सन या ट्रेन इस जगह पे था जब ये गोली उसे सुनाई दी। अब जब उसने ये गोली सुना तो सपोज करिए वो पर्सन यहां तक पहुंच चुका था और इस जगह से यहां तक जाने में उस पर्सन को टाइम लगा होगा 10 मिनट, क्योंकि पहला गोली का आवाज सुनने के बाद दूसरा गोली का आवाज जब सुना तो उसे 10 मिनट लगा है। क्लियर हो रहा है बात? अब आप समझो कि अगर मैं इसी डिस्टेंस का बात करूं, है ना, वो पर्सन इधर जा रहा है, क्वेश्चन में अप्रोचिंग दिया हुआ है, मैं दूसरे दिशा में उसे चला रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको समझाया। तो आप इस बात को समझो कि ये पर्सन इस डिस्टेंस को 10 मिनट में तय किया है, बोलो हाँ या ना। मगर अगर देखा जाए तो यही डिस्टेंस इस गोली की आवाज को, साउंड को ट्रेवल करने में कितना समय लगा होगा, 10 मिनट 30 सेकेंड माइनस 10 मिनट, बोलो हाँ या ना। यानी कि कंक्लूजन के तौर पे अगर मैं लिखूं कि इतना ही डिस्टेंस का मैं बात कर रहा हूं, द डिस्टेंस बात को समझिए, मैंने कंक्लूजन एक लिखा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन या पर्सन इन द ट्रेन
इन 10 मिनट, ये जो डिस्टेंस पर्सन के द्वारा तय करने में समय लग रहा है 10 मिनट, कैन बी ट्रेवल्ड बाई द साउंड इन, इसी डिस्टेंस को साउंड को तय करने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद चलाया गया गोली और 10 मिनट में ये पर्सन यहां पे रीच कर रहा है, यानी कि साउंड को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 10 मिनट 30 सेकेंड माइनस 10 मिनट दैट इज 30 सेकेंड लग रहा है। इस बात को आपको समझने भर की देरी है, अगर आप समझ जाते हो तो सवाल में और कुछ भी नहीं है। पहला गोली चलाया वो यहां से यहां तक आया, उसके बाद जब 10 मिनट 30 सेकंड रुक करके दूसरा गोली चलाया गया तो पर्सन 10 मिनट में यहां तक पहुंच चुका था, यानी कि साउंड को इस डिस्टेंस को तय करने में दिस टाइम माइनस दिस टाइम, इतना जो टाइम का फर्क है उस टाइम के फर्क में वो साउंड ट्रेवल किया होगा उतना डिस्टेंस, बस इतनी सी बात है। और हमें क्या पता चलता है कि ये डिस्टेंस जिसको तय करने की बात हो रही है डिस्टेंस फिक्स भी है, उतना ही डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं पर्सन या ट्रेन ट्रेवल कर रहा है और उतना ही डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं कि साउंड भी ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस अगर फिक्स है तो आप एक बात को समझो कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, इसी पे हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में। तो आप देखो कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन और टाइम टेकन बाय द साउंड, ट्रेन को टाइम टेकन कितना है भाई 10 मिनट, बोलो हाँ या ना, is to time taken by the sound to travel the same distance is 30 second। इसका रेशियो निकाल लें अगर 10 मिनट यानी कि 60 × 10 सेकेंड is to 30 सेकेंड, तो रेशियो क्या होगा मेरे भाई, 60 को काटेगा 2 में दैट इज 20:1, बोलो बात समझ में आई। ये रेशियो किस चीजों का है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन और टाइम टेकन बाय द साउंड आर इन द रेशियो 20:1, डन। और आपने देखा कि डिस्टेंस फिक्स होने के वजह से स्पीड ऑफ द ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ द साउंड, इसका इनवर्स यानी कि 1:20, दैट मीन्स साउंड का स्पीड अगर 20 यूनिट है तो ट्रेन का स्पीड 1 यूनिट। और आप देखिए आपको इस 20 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना, और आपको पूछा है ट्रेन का स्पीड, दैट इज अगर मैं यहां पे करूं तो 20 यूनिट, ये जो आपका 20 यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 330 मीटर पर सेकेंड को, तो एक यूनिट निकालने भर से आपका मतलब है, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या होगा 330 / 20, दैट मींस 33/2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो यहां पे स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में जो कि 33/2 है, 33/2 मीटर पर सेकेंड, बट सवाल में आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो आप इसे किलोमीटर पर आवर में स्पीड को कन्वर्ट करोगे तो बस इतना ही करना है कि 18/5 मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 10 को अगर मैं सलामत रखूं तो मेरा कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा भाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 18 = 54, 5 × 3 = 54 और 5 दैट इज 59/10, यानी कि 59.4 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। तो मुझे लगता है कि रिलेटिव स्पीड के कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर आप इस अप्रोच का यूज करते हैं तो सबसे बेहतरीन अप्रोच है। इस गन के ऊपर या गन फायरिंग के ऊपर जो भी सवाल आता है, एक सवाल मैं और रख रहा हूं उसे भी सॉल्व कर दूंगा आपके सामने, 2-3 सवाल स्क्रीन पे रख दूंगा, आप उसे ट्राई करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट। ओके, आज की क्लास का सेकेंड सवाल देखो मैं रीड कर रहा हूं, सवाल सेम है, कह रहा है 2 guns वायर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 13 मिनट, है ना, बट अ पर्सन इन ए ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकेंड रिपोर्ट 12:30 आफ्टर द फर्स्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोजिंग द साउंड ट्रेवल्स एट 330 मीटर पर सेकेंड, है ना, सेम सवाल है। आओ मैं डेटा लिखता हूं, ये पहला गोली और ये सेकेंड गोली फायर किया गया 13 मिनट के गैप में, मगर फिर मैं उल्टा सोचता हूं, ये पर्सन यहां से यहां तक पहुंचा, पर्सन को जाने में इस डिस्टेंस को लगा 12:30, तो फिर से वही बात है कि अगर कंक्लूजन के तौर पे देखा जाए तो इस डिस्टेंस को तय करने में पर्सन को कितना टाइम लगा भाई, 12:30, क्लियर, मगर फायरिंग का साउंड को इस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा होगा, तो दैट इज 13 minutes - 12:30, क्लियर। मैं कंक्लूजन को लिख रहा हूं आपके क्लियरिटी के लिए, देखो
तो इस बात से जो कंक्लूजन निकल करके आती है, उस कंक्लूजन को मैंने लिख दिया, आप रीड कर लो, कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 12 मिनट 30 सेकेंड कैन ऑल्सो बी ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन 13 मिनट माइनस 12 मिनट 30 सेकेंड, दैट इज 30 सेकेंड। तो अब कुछ नहीं रखा, आओ सॉल्व करते हैं। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन और टाइम टेकन बाय द साउंड किस रेशियो में? ट्रेन का टाइम टेकन आप देखो 12 मिनट 30 सेकेंड इज टू, टाइम टेकन बाय द साउंड दैट इज योर 30 सेकेंड। तो अगर इस 12 मिनट 30 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करें, बिकॉज इधर सेकेंड में है, रिड्यूस कर नहीं पाएंगे अगर नहीं कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखो 12 मिनट दैट इज 12 इंटू 60 सेकेंड दैट इज 720 सेकेंड, 720 सेकेंड और 30 सेकेंड दैट इज 750 इज टू 30। तो रेशियो क्या बन के आएगा भाई, 30 एक और ये 750 रिड्यूस होगा 30 से 25 टाइम्स में, ठीक है। 0-0 भी अगर आप रिड्यूस करते हैं, 3 एक और 3 25, 25:1 इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। अब अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द साउंड देखा जाए, तो आप जानते हो डिस्टेंस फिक्स है, इसी डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है साउंड के केस में भी और ट्रेन के केस में भी, तो इसका इनवर्स रेशियो होगा स्पीड का, दैट इज 1:25। बोलो हाँ या ना। और ये 25 दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, है ना, स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो क्या होगा भाई, 25 यूनिट 330 है, तो एक यूनिट 330 बाई 25 मीटर पर सेकेंड, और इसका आंसर मीटर पर सेकेंड में ही है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलो क्या होगा, 25 एक बचा कितना 8, 25 3 75 बचा कितना 5 और 0 25 दुनी 50, यानी कि 13.2 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको परेशान करता था तो आज के बाद नहीं करेगा। आप वीडियो को देखिए, दोहराइए, और उसके बाद मैं 2-3 सवाल रख देता हूँ वीडियो के एंड में, आप उसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द टाइम एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट पार्ट में, बचे हुए तमाम तरह के वेराइटीज को देखेंगे वन बाई वन, कुछ भी नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी। आप जब एग्जाम अपियर करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि आपने इस वीडियो सीरीज में टाइम एंड डिस्टेंस का या किसी भी चैप्टर का जो भी मैंने इस चैनल पे रखा है, कुछ भी नहीं छूट रहा होगा आपका, ठीक है। सब जाने पहचाने सवाल लगेंगे आपको। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।